जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले केंद्र सरकार को लेकर हो रहे पैदल मार्च की होगी। दरअसल बता दें कि जनता दल यूनाइटेड 27 सितंबर यानी मंगलवार को केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण संविधान की रक्षा के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ सड़क पर 27 सितंबर को उतरकर पैदल मार्च करेगी, जिसकी जानकारी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी है। हमारा तो कार्यक्रम यही जो यहाँ का जो महानगर का जो मुख्यालय है, इस दिन जो हमारे संविधान के जो रचयिता है, संविधान निर्माता है, जो अंबेडकर जी की मूर्ति से उनकी तैलचित्र पर उनके माला अर्पण करके वहाँ से उनसे उन्होंने जो संविधान बनाया है जिस पर हम सभी को जो रक्षा है, तो उनके जो हमारे संविधान का जो खतरा हो रहा है, खतरा को बचाने के लिए हम लोग मार्च करेंगे, जागरूकता मार्च करेंगे और गांधी जी की मूर्ति पर जाके वहाँ जो है वहाँ जाके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। इसमें तैयारी की क्या बात है, ये तो जिस तरह ये बात आउट हुआ कि हम लोग जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको जो भाजपा के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता, हमारा तो कार्यक्रम यही जो यहाँ का जो महानगर का जो मुख्यालय है, इस दिन जो हमारे संविधान के जो रचयिता है, संविधान निर्माता है, जो अंबेडकर जी की मूर्ति से उनकी तैलचित्र पर उनके माला अर्पण करके वहाँ से उनसे उन्होंने जो संविधान बनाया है जिस पर हम सभी को जो रक्षा है, तो उनके जो हमारे संविधान का जो खतरा हो रहा है, खतरा को बचाने के लिए हम लोग मार्च करेंगे, जागरूकता मार्च करेंगे और गांधी जी की मूर्ति पर जाके वहाँ जो है वहाँ जाके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। इसमें तैयारी की क्या बात है, ये तो जिस तरह ये बात आउट हुआ कि हम लोग जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको जो भाजपा के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता, इसमें तैयारी की क्या बात है, ये तो जिस तरह ये बात आउट हुआ कि हम लोग जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको जो भाजपा के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता, इसमें तैयारी की क्या बात है, ये तो जिस तरह ये बात आउट हुआ कि हम लोग जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको जो भाजपा के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता।